इस वीडियो में हम लोग इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे व्हाट इज फैक्ट्री लाइटिंग जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री लाइटिंग एंड टाइप्स ऑफ फैक्ट्री लाइटिंग फैक्ट्री लाइटिंग एक टाइप का लाइटिंग अरेंजमेंट होता है जिसके थ्रू फैक्ट्री में ब्राइट एंड क्लियर लाइट प्रोवाइड किया जाता है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉयज रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री लाइटिंग फैक्ट्री लाइटिंग रिक्वायरमेंट में हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्ट्री लाइटिंग किस टाइप का होना चाहिए फैक्ट्री में जो लैम्प इंस्टॉल करेंगे वो वर्किंग प्लान पर एज पर रिक्वायरमेंट प्रॉपर इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करना चाहिए उस टाइप का लैम्प हम लोग इंस्टॉल करेंगे जिस प्लेस पर फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होता है या फिर कोई वर्क होता है उसको वर्किंग प्लान बोलते हैं इट्स वुड गिव अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट लाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा होना चाहिए लैम्प को जिस प्लेस पर इंस्टॉल करेंगे उसका फिटिंग सिंपल होना चाहिए ताकि उसको ईजिली क्लीन कर सकें लैम्प का जो होल्डर एंड रिफ्लेक्टर रहता है उसको ईजिली क्लीन कर सकें अगर लैम्प को हम लोग क्लीन नहीं करेंगे तो यूटिलाइजेशन फैक्टर एंड मेंटेनेंस फैक्टर का जो वैल्यू है वो अफेक्ट होगा इसलिए उसको प्रॉपर क्लीननेस की रिक्वायरमेंट होता है अबसेंस ऑफ डायरेक्ट ग्लेयर और इनडायरेक्ट ग्लेयर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस। मतलब कोई पॉलिश्ड सरफेस से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ग्लेयर नहीं होना चाहिए ग्लेयर का मतलब होता है सडनली आंखों पर ज़्यादा लाइट आने से कुछ सेकेंड्स के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देना फॉर एग्जाम्पल अगर आप सन की ओर देखेंगे तो कुछ टाइम के लिए अदर ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाएंगे सो दीज आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फैक्ट्री लाइटिंग टाइप्स ऑफ फैक्ट्री लाइटिंग फर्स्ट वन इज जनरल लाइटिंग जहाँ पर फैक्ट्री में वर्कशॉप रहता है वहाँ पर जनरली जनरल लाइटिंग को इंस्टॉल करते हैं इसके लिए प्रॉपर नंबर ऑफ लैम्प यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं इसमें लैम्प का जो हाइट होगा वो ट्रैवलिंग क्रेन के ऊपर होना चाहिए जनरल लाइटिंग में वर्टिकल प्लेन को इल्यूमिनेट करने के लिए एडिशनल लैंप इंस्टॉल करते हैं जब हम लोग जनरल लाइटिंग करते हैं तो वॉल के ऊपर किस कलर से पेंट करना है उसको भी कंसिडर करते हैं यूजअली वाइट और येलो कलर का यूज करते हैं जो कि लाइट के ब्राइटनेस को इनक्रीज करता है फैक्ट्री लाइटिंग का नेक्स्ट टाइप है लोकल लाइटिंग लोकल लाइटिंग में फेयरली इंटेंस एलुमिनेसन रिक्वायर्ड होता है फेयरली इंटेंस एलुमिनेसन का मतलब है कि जिस वर्किंग प्लेन पर लाइट का रिक्वायरमेंट होता है लैम्प से प्रोड्यूस होने वाला लूमिनस फ्लक्स उसी प्लेस्ट को एलूमिनेट करता है क्योंकि कुछ वर्क ऐसा होता है जहाँ पर स्पेशली उसी पॉइंट पर लाइट का रिक्वायरमेंट होता है लोकल लाइटिंग में जो लैम्प रहता है वो एडजस्टेबल फिटिंग से अटैच रहता है ताकि जो मेन वर्क है उसको प्रॉपर वे में कंप्लीट कर सकें लोकल लाइट के साथ डीप रिफ्लेक्टर का यूज करते हैं टू अवॉइड ग्लेयरनेस। लोकल लाइटिंग के लिए पोर्टेबल लो वोल्टेज का यूज करते हैं दैट विल नोट मोर देन 50 वोल्ट क्योंकि जो लैम्प है वो ऑपरेटर के नज़दीक होता है सो टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक्स और एक्सीडेंट वी प्रोवाइड पोर्टेबल लो वोल्टेज जब हम लोग लोकल लाइट को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ जनरल लाइटिंग को भी इंस्टॉल करा जाता है अगर ऐसा नहीं करेंगे तो विजुअलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है सो वी इंस्टॉल लोकल लाइटिंग एज वेल एज जनरल लाइटिंग नेक्स्ट है इमरजेंसी लाइटिंग कोई भी फैक्ट्री में इमरजेंसी लाइटिंग का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है सपोज आप किसी फैक्ट्री में एज एन इंजीनियर वर्क करते हैं और सडनली लाइफ मशीन में स्पार्किंग होने लगता है तो इस कंडीशन में आप उस एरिया के मेन स्विच को ऑफ कराएंगे, तो उस टाइम वहाँ पर पूरा एरिया जो है वो डार्क हो जाएगा तो उस कंडीशन में इमरजेंसी लाइटिंग का इम्पोर्टेंट रोल होता है उस टाइम इमरजेंसी लाइट के हेल्प से वर्कर्स को उस एरिया से बाहर एग्जिट कराया जाता है हमारा जो टॉपिक है फैक्ट्री लाइटिंग इसको हम लोग यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इससे एग्जाम में पूछा जाता है देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग स्कीम लाइक डायरेक्ट लाइटिंग डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम में नाइन्टी परसेंट ऑफ लाइट जो है वो वर्किंग सरफेस पर इंसिडेंट करती है इस मेथड में लाइट डायरेक्टली वर्किंग सरफेस पर आती है इसलिए इसको डायरेक्ट लाइटिंग बोलते हैं इसमें बल्ब को प्रॉपर सेप रिफ्लेक्टर के साथ हंग करते हैं उसको लटकाते हैं रिफ्लेक्टर का मेन पर्पस होता है लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करके वर्किंग सरफेस पर इंसिडेंट कराना नेक्स्ट है सेमी डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम सेमी डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम जो है इसमें अबाउट सिक्सटी परसेंट ऑफ टोटल लाइट फ्लक्स वर्किंग सरफेस पर इंसिडेंट करती है कुछ इस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं एंड फोर्टी परसेंट लाइट फ्लक्स जो है वो सेलिंग्स एंड वॉल्स के ऊपर जाता है यूजिंग रिफ्लेक्टर इसमें हम लोग सेमी डायरेक्ट रिफ्लेक्टर का यूज करते हैं इस टाइप के लाइटिंग स्कीम को वहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं जहाँ पर रूम का हाइट जो है वो बीगर होता है नेक्स्ट है सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम इस टाइप के लाइटिंग स्कीम में अबाउट सिक्सटी टू नाइन्टी परसेंट ऑफ टोटल लाइट फ्लक्स सेलिंग्स पर डाइवर्ट करता है एंड ओनली थर्टी टू फोर्टी परसेंट लाइट फ्लक्स जो है वो वर्किंग सरफेस पर आती है इसका यूज इंडोर डेकोरेशन के लिए किया जाता है नेक्स्ट लाइटिंग स्कीम है इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम इस टाइप के लाइटिंग स्कीम में बल्ब से प्रोड्यूस होने वाला जो लाइट है वो डायरेक्टली वर्किंग सरफेस पर नहीं आती है इसमें अबाउट नाइन्टी परसेंट लाइट जो है वो सेलिंग्स पर डाइवर्ट होता है बाई यूजिंग इन्वर्टेड रिफ्लेक्टर इस लाइटिंग स्कीम में सेलिंग लाइट सोर्स के तरह भी हैव करता है इसलिए ग्लैरनेस जो है वो मिनिमम वैल्यू तक रिड्यूस हो जाता है नेक्स्ट है जेनरल लाइटिंग स्कीम इस टाइप के लाइटिंग स्कीम में स्पेशल डिफ्यूजिंग ग्लासेज का यूज किया जाता है जो कि लाइट को यूनिफॉर्मली स्पीड करता है इस मेथड में प्रोड्यूस्ड लाइट और इल्यूमिनेसन जो है वो ऑल डायरेक्शन में इक्वल होता है सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग स्कीम नाउ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं लाइक व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ नहीं लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ को लैम्बर्ट्स लेन लॉ भी बोला जाता है और कोसाइन इमिशन लॉ डिफाइन लैम्बर्टियन रिफ्लेक्टेंस लैम्बर्टियन रिफ्लेक्टेंस इज डिफाइंड एज दैट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटांसेज ड्यू टू विच दे अपीयर Equally bright when from any angle. What is the other name of luminous flux? So, other name of luminous flux is luminous power. तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें